Good morning, children. Welcome to the online classes from New Rajasthan Public School. I am taking your English subject. पिछले videos में मैंने क्या noun के बारे में बताया था, आज noun के क्या है और एक बार बता रहे हो noun क्या है. Noun is a name of a person, place, animals and things. Noun क्या है? किसी व्यक्ति के नाम. Person, किसी व्यक्ति के नाम. Place, किसी जगह के नाम. एनिमल्स, किसी पशु के नाम. एंड थिंग्स, किसी वस्तु के नाम. तो ये है नाउंस. अब देखो यहाँ पे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड. राइट द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स अंडर द करेक्ट हेडिंग. जो जिसमें ये हेडिंग लिखा है, देखो पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इस हेडिंग के नीचे क्या क्या है इसके नीचे लिखना है. जैसे काउ, काउ किस में आएगा? ये एनिमल्स पर्सन में, प्लेस या एनिमल्स थिंग्स. इसके किसके नीचे लिखना है इसके बारे में ये बताया. द करेक्ट नेमिंग वर्ड्स अंडर द करेक्ट हेडिंग, जिसमें सही जगह में इसको उतारना लिखना है. ठीक है, अब देखो ये पर्सन, व्यक्ति का नाम, किसी का भी व्यक्ति का नाम, आपके नाम हो, मम्मी पापा, मैंने बताया डॉक्टर, टीचर, पायलट, नर्स. प्लेसेस, जगह के नाम, कोई भी जगह हो इस वो नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर. एनिमल्स, पशु के नाम. और थिंग्स, किसी वस्तु के नाम. अब देखो बताओ काउ, काउ क्या है? गाय. काउ, काउ किस में आएगा? पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम में. प्लेस, जगह. एनिमल्स, पशु या थिंग्स. अब बताओ काउ, काउ इज अ एनिमल, काउ गिव्स अस मिल्क. तो काउ, काउ है एनिमल्स के नीचे काउ लिखो. नेक्स्ट देखो बुक, बुक क्या है? बुक पर्सन, पर्सन है. बुक किताब, पर्सन व्यक्ति का नाम है. प्लेस जगह. एनिमल्स पशु या थिंग्स वस्तु. यस, बुक्स इज अ थिंग्स नेम. तो बुक्स यहाँ लिखो, बी डबल ओ के, बुक. नेक्स्ट हार्ट, हार्ट मिट्टी का, जो गांव में मिट्टी का जो मकान बनता है, घर बनता है, उसे हार्ट कहते हैं. तो यह हार्ट, हार्ट किस में आएगा? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स. थिंग्स में आएगा वस्तु, इसलिए हार्ट यहाँ लिखो. अब देखो टी ए बी एल ई, टेबल. टेबल भी क्या है? टेबल किसका नाम है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. तो किसका नाम है टेबल? थिंग्स, इसलिए थिंग्स के नीचे टेबल लिखो. टी ए बी एल ई, टेबल क्या है? वस्तु है, इसलिए टेबल. पी ए आर के, पार्क. पार्क उद्यान. पार्क किस में लिखोगे? क्या पर्सन नेम है पार्क? नो. तो प्लेस है क्या? जगह, बिल्कुल. तो इसमें क्या लिखना है? पार्क. ये आर के, प्लेस के नीचे पार्क लिखो. के आई एन जी, किंग, राजा. क्या है? पर्सन नेम है राजा, बिल्कुल. किंग, राजा. तो इसमें किंग लिखो, के आई एन जी. ये हो गया. अब देखो लायन, लायन किसके नाम है? पर्सन, व्यक्ति का नाम है. प्लेस, लायन क्या है? लायन इज द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, सब पशुओं के राजा है. तो ऑफ कोर्स लायन इज द नेम ऑफ अ एनिमल्स. तो लायन यहाँ लिखो, एनिमल्स के नीचे. अब देखो पेन, पेन क्या है? पेन पर्सन, प्लेस, एनिमल. नो. पेन क्या है? पेन थिंग्स, वस्तु के नाम है, इसमें पेन लिखो. थिंग्स के नीचे पेन. अब देखो रोहित, रोहित किसी का नाम है ना? तो रोहित क्या है? पर्सन नेम है ऑब्वियसली. रोहित किसी व्यक्ति का नाम है. तो रोहित किंग के आगे नीचे लिखो, रोहित. अब देखो हाउस, मकान, ये क्या है? थिंग्स, हार्ट, टेबल, पेन. हाउस क्या है? किसी
जगह के नाम है जहाँ पे आप रहते हो हाउस, तो ये हाउस प्लेस HOUSE हाउस, सॉरी इसमें हाउस हट भी यहाँ आएगा HUT हट, ठीक है। स्कूल, बोलो स्कूल क्या है, किसी जगह के नाम है ऑब्वियसली, तो ये प्लेस इसके नीचे स्कूल। दिल्ली, दिल्ली भी जगह के नाम है तो पर्सन के नीचे आएगा, नहीं तो बताओ किसमें आएगा प्लेस, तो दिल्ली DLHI प्लेस के नीचे दिल्ली। अब देखो हेन, हेन क्या है, हेन एनिमल्स है। ट्राई योरसेल्फ, खुद करो HEN हेन। एप्पल, एप्पल क्या है फ्रूट्स, तो इसमें क्या किसमें लिखना है एप्पल, थिंग्स है वस्तु है, एप्पल इसमें लिखो। गोट, गोट क्या बकरी, एनिमल्स नेम, तो एनिमल्स के नीचे लिखो। गोट क्या है पर्सन नेम, नहीं गोट इज अ एनिमल डोमेस्टिक एनिमल, तो क्या है गोट एनिमल्स के नीचे लिखो। अब देखो मैन, मैन आदमी या मनुष्य, तो इसमें मैन क्या है किसी व्यक्ति का नाम, बिल्कुल व्यक्ति है तो इसलिए मैन पर्सन्स। बॉम्बे, बॉम्बे अब मुंबई हो गया चेंज होके, लेकिन बॉम्बे, बॉम्बे इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, नाउ नेम इज चेंजेस क्या है मुंबई, तो यहाँ बॉम्बे दिया है तो बॉम्बे क्या है, बॉम्बे किसी जगह के नाम है इसलिए क्या लिखना है आपको यहाँ पे बॉम्बे प्लेस, बॉम्बे। अब देखो बाइसाइकिल, साइकिल चलाते हो ना, साइकिल क्या है पर्सन के नाम है नो, प्लेस के नाम है जगह के नाम है नहीं, एनिमल्स है बाइसाइकिल ये भी नहीं, बाइसाइकिल क्या है थिंग्स किसी वस्तु के नाम है, यहाँ लिखो बाइसाइकिल। अब देखो फिश, फिश मछली क्या है, फिश क्या है फिश इज अ वाटर एनिमल है, तो पानी में रहते हैं फिश, फिश है एनिमल्स नेम तो इसमें फिश एनिमल्स के नीचे लिखो। और लास्ट वन इज गर्ल, लड़की, यू आर ए प्लेस, आप क्या प्लेस हो एनिमल थिंग्स नो पर्सन, किसी पर्सन के नाम है क्या है गर्ल, तो फोर्थ वन इज गर्ल। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है नाउन, क्या है नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स, किसी कभी व्यक्ति के नाम नाउन होता है, किसी जगह के नाम भी नाउन होता है, किसी पशु का नाम भी नाउन होता है और किसी थिंग्स वस्तु के नाम भी क्या है नाउन होता है। अब देखो पर्सन्स के नीचे किंग, रोहित, मैन, गर्ल, ऑल दिस आर नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये ऑल दिस इज नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक एक सब क्या है पर्सन किसी व्यक्ति के नाम है। अब देखो प्लेसेस, पार्क, हाउस, हट, स्कूल, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या नेम ऑफ अ प्लेस, सब क्या प्लेस के नाम है, तो इसलिए प्लेस के नीचे जगह के नाम है। ये देखो एनिमल्स, ऑल दीज आर नेम ऑफ एनिमल्स, जैसे काउ, लायन, हेन, गोट, फिश। लास्ट इज क्या है थिंग्स, किसी वस्तु के नाम, जैसे बुक, एप्पल, टेबल, पेन, बाइसाइकिल, ये सब क्या हो गया थिंग्स, तो क्या है नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल्स एंड थिंग्स। अगर आपको बताते कि अंडरलाइन द नाउन, तो अगर जैसे रोहित इज अ गुड
बॉय। आप किस में अंडरलाइन, किसके नीचे अंडरलाइन करोगे? रोहित इज अ गुड बॉय। रोहित क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या है, नाउन क्या है इसमें? रोहित किसी पर्सन के नाम है, रोहित, तो रोहित नाउन। अंडरलाइन द नाउन, अगर ऐसे बताए तो आपको क्या नेमिंग वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करना है। द एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट। एप्पल क्या है? मीठा होता है। तो हियर इज द नाउन इज एप्पल। एप्पल क्योंकि एप्पल इज द नेम ऑफ अ थिंग, ठीक है। जैसे द फैन इज मूविंग। फैन क्या? चल रहे हैं। तो हियर इज थिंग्स के नाम है फैन। तो फैन ये है थिंग्स, तो ये भी नाउन है। ऐसे है आगे भी, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। फील योर ओनली बुक, आपको बुक में ही ये फील करना है, कॉपी में नहीं। गुड हैंड राइटिंग में करना है, बुक में ही फील करो। और ये चैप्टर बार बार रीड करो, ये साथ में बुक रखो। नेम ऑफ पर्सन, नेम्स प्लेस, नेम्स एनिमल्स, नेम थिंग्स, ये रीड करो। रीड करके ये लिखना है आपको। होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।